नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, एक और नवीनतम नया जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों तो ये वेट कर रहे थे सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में जानने के लिए, दोस्तों तो यहाँ पे बात करने वाले 2024 में। दोस्तों, यहाँ पे सफाई कर्मचारी भर्ती से नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया। टोटल पदों के बारे में बात करने वाले दोस्तों, 24,797 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों, पूर्व में बात कर लेते हैं, 13,000 कुछ पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी थी, बाद में इसमें 11,000 पदों का यहाँ पे दोस्तों अधिकतम वृद्धि कर दी गई, या कह सकते हैं कि बढ़ोतरी कर दी गई। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टोटल मिलाकर 24,797 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी निकलने वाली थी 2023 में दोस्तों विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उसमें वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए दोस्तों यहाँ पे आचार संहिता लग गई थी, और आचार संहिता के कारण ये भर्ती प्रक्रिया वहाँ पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। नई गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित हो चुकी है, और नई गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे 24,797 पदों के लिए जो दोस्तों जो पूर्व में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था उसमें संशोधित करते हुए दोस्तों नया नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया। उसी नोटिफिकेशन में हम डिटेल से बात करने वाले दोस्तों, क्या यहाँ पे डिटेल रहने वाले, कितने दोस्तों यहाँ पे पद रहने वाले, साथ ही क्या योग्यताएं रहने वाली है, और दोस्तों कब से आवेदन स्टार्ट होने वाले, कंप्लीट हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है, साथ ही दोस्तों और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। दोस्तों, 24,797 पदों पर दोस्तों नवीनतम वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया। दोस्तों, कंप्लीट आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ऐसी ही दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो के सभी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिलते रहे। तो बिना देरी के चलते, और दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके सर्वोत्तम अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नवीनतम सूचनाएं। और जैसे कि ये नोट्स में आपको यहाँ पे देखो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हो, साथ ही नोट्स आपकी तैयारी से संबंधित वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की। दोस्तों, यहाँ पे 2024 में दोबारा से दोस्तों रिवाइज इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया, दोबारा से यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे शुरू हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं नवीनतम अपडेट ही क्या है। दोस्तों, फॉर्म दोबारा से यहाँ पे शुरू कर दिए गए, या कह सकते हैं कि दोस्तों विज्ञप्ति यहाँ पे जारी कर दी की जा चुकी है, और 11,772 पदों की दोस्तों बढ़ोतरी की है। पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, 13,000 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों 11,772 पदों के यहाँ पे बढ़े हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आवेदन शुरू हो गए, आवेदन फॉर्म दोबारा से यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे, और एडमिट कार्ड उसके बाद में कब जारी होंगे, प्रैक्टिकल इंटरव्यू कब होंगे, उसके बारे में भी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हो 1 मार्च 2024, दोस्तों ये 1 मार्च 2024 को नवीनतम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा। दोस्तों देख सकते हो 1 मार्च 2024 को, मतलब दोस्तों 1 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया। दोस्तों बात करते हैं सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024, मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि विज्ञापन कब जारी किया गया था, 1/2024, मतलब ये नवीनतम और संशोधित नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों बात करते हैं कुल सफाई कर्मचारियों के पदों की, तो 24,797 जो रिक्त पद हैं उन पे दोस्तों सीधी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाले इच्छुक और निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित, मतलब केवल केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले, तो 4 मार्च 2024 से दोस्तों यहाँ पे 4 मार्च 2024 से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं 4 मार्च 2024 से, और कब तक रहने वाले हैं दोस्तों 24 मार्च 2024 तक ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्म रहने वाले हैं रात्रि 12 बजे तक। और त्रुटियां सुधार दोस्तों कब से होने वाली, 27 मार्च 2024 से लेके यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इनमें त्रुटि सुधार कर सकते हो दोस्तों। और फॉर्म दोस्तों फॉर्म कहाँ से दोस्तों आप डाउनलोड कर, या कह सकते हो ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या दोस्तों विभाग जिसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, वैसे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये नोटिस आपको कम्प्लीटली दोस्तों विभाग के द्वारा जारी किया गया वो नोटिस आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप विभाग की वेबसाइट देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों lsg.urban.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर भी आपको ये सूचना वहाँ से प्राप्त हो सके। ये देख सकते हो दोस्तों 4 मार्च 2024 दोस्तों 4 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन, मतलब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे,
और 24 मार्च 2024 तक यहाँ पे दोस्तों आवेदन स्टार्ट होने रात्रि 12 बजे तक। और त्रुटि सुधार दोस्तों आवेदन में त्रुटि सुधार का 27 तीन या कह सकते हैं 27 मार्च 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे दोस्तों 2 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे आवेदन स्वीकार या कह सकते हैं त्रुटि स्वीकार किए जाएंगे दोस्तों। आवेदन केवल यहाँ पे दोस्तों 24 मार्च 2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली, तो दोस्तों SSO के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के तहत आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। यदि आपने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर रखी है तो दोस्तों वो कंप्लीट कर रखी है तो कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो दोस्तों एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क यहाँ पे डिपॉजिट करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सभी जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। यदि वन टाइम का रजिस्ट्रेशन नहीं किया आपने और किसी प्रकार के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के संबंध में दोस्तों असुविधा होती है या कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं समस्या का समाधान करने का संभव प्रयास करूंगा। दोस्तों बात करते हैं आगे डिटेल से आवेदन शुल्क। दोस्तों आपको पता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। यदि नहीं कर रखा है दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपको सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे दोस्तों 600 रुपए यहाँ पे निर्धारित किए गए। जो नॉन क्रिमिनलियर दोस्तों यहाँ पे क्रिमिनलियर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपए यहाँ पे शुल्क, जबकि आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। दोस्तों इनमें आरक्षित वर्ग में बात कर लेते हैं OBC कैंडिडेट हो गया, MBC कैंडिडेट हो गया, साथ ही SC और ST के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे हुए, साथ ही दिव्यांगजन है उनके लिए भी यहाँ पे 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। केवल और केवल दोस्तों वन टाइम OTR के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए ये शुल्क निर्धारित होगा, उसके बाद में कोई यहाँ पे शुल्क दे नहीं होगा। यदि पूर्व में आपने वन टाइम कर रखा है तो दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा यहाँ पे दोस्तों त्रुटि या सुधार आवेदन भरने की दोस्तों यहाँ पे 4 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं 24 मार्च 2024 तक यहाँ पे आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन त्रुटि जगह यदि आपके फॉर्म में हो जाती है तो त्रुटि सुधार का आपको 27 मार्च 2024 से लेकर यहाँ पे 2 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे रात्रि 12 बजे तक दोस्तों यहाँ पे त्रुटि सुधार का अवसर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 100 रुपए त्रुटि सुधार की यहाँ पे आपसे राशि शुल्क या संशोधन शुल्क कह सकते हैं कि या त्रुटि सुधार शुल्क यहाँ पे आपसे कह सकते हैं कि 100 रुपए आपसे त्रुटि सुधार के लिए जाएंगे। दोस्तों आप बात करते हैं कि पदों का वर्गीकरण दोस्तों बात कर लेते हैं टोटल पदों की, तो 24,797 दोस्तों पद रहने वाले हैं। पूर्व में दोस्तों यहाँ पे 13,000 कुछ पदों पर यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बाद में 11,772 पदों की यहाँ पे वृद्धि कर दी गई थी दोस्तों, बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसी प्रकार कुल मिलाकर 24,797 दोस्तों यहाँ पे 24,797 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। आप देख सकते हो जयपुर ग्रेटर से यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक पद हैं, 3670 पद हैं, जबकि जयपुर हेरिटेज की बात कर लेते हैं 707 पद हैं, चोमू से बात कर लेते हैं 171 पद हैं, जबकि सांभर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 69 पद हैं, जब बात कर लेते हैं चाकसू की तो 64 पद हैं, कोटपुतली की बात कर लेते हैं तो 143 पद है। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जो संभाग वाइज यहाँ पे दोस्तों या कह सकते हैं जो भी आपके जो नगर पालिका क्षेत्र है, जो दोस्तों यहाँ पे नगर निगम है, नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र है, वहाँ पे जो दो जितने भी रिक्त पद हैं उनकी यहाँ पे सूची जारी कर दी गई है। तो आप अपने पदों के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आवेदन कर सकते हो, किस मतलब जो यू कह सकते हैं कि निगम क्षेत्र से या नगर पालिका क्षेत्र से या नगर परिषद क्षेत्र से आपको आवेदन करना है तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कंप्लीट दोस्तों आप देख सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा ये PDF, जहाँ से आप कंप्लीटली इस PDF को देख के दोस्तों आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हो। और आवेदन फॉर्म आपको पता है कि दोस्तों 4 मार्च 2024 से और 24 मार्च 2024 तक यहाँ पे आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन दोस्तों SSO के माध्यम से किए जा सकते हैं या दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट lsg.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध इसकी जानकारी है, जहाँ से भी आप दोस्तों अप्लाई बटन पर क्लिक करके वहाँ से आवेदन कर सकते हो। दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसकी योग्यताएं क्या रहने वाली है। आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवास हो, सबसे इम्पोर्टेंट करने वाली बात है कि मूल निवास दोस्तों आपका मूल निवास या दोस्तों मूल निवासी आप राजस्थान के होने चाहिए, तो मतलब मूल निवासी हैं तो दोस्तों मूल निवास आपका यहाँ से बना होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती है, तो योग्यता अभ्यर्थी को राज्य सरकार के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान में संविद को, एजेंसियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल,
फैक्ट्रीज या घर, दुकान, मकान, माल आदि अन्य स्थानों पर यहाँ पे नियमित रूप से सफाई कार्य करने हेतु न्यूनतम 1 वर्ष का यहाँ पे अनुभव, मतलब दोस्तों 1 वर्ष का यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 1 वर्ष का यहाँ पे अनुभव होना अनिवार्य है। इससे आगे दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि तक यहाँ दोस्तों आवश्यक है, मतलब आवेदन जब दोस्तों कह सकते हैं कि 24 मार्च तक आपकी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली जो भी योग्यताएं हैं वो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पे सफाई कर्मचारी से संबंधित क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 वर्ष का यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं संबंधित आवेदक को यहाँ पे नियुक्ति निरस्त करते हुए यहाँ पे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों या नगर पालिका अध्यक्ष, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, संसद दोस्तों उसका संस्था का नियो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे 2 चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक होने हैं दोस्तों, मतलब 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके आवश्यक होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल दोस्तों 1, पे मैट्रिक्स लेवल 1 यहाँ पे दोस्तों आपका रहने वाला है। सफाई कर्मचारी का वेतनमान दोस्तों यहाँ पे नियमित पारिश्रमिक यहाँ पे वेतन रहने वाला है। राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल दोस्तों ये सभी आपको पता है। बात कर लेते हैं केवल ये अहर्ता में राजस्थान का मूल निवासी और सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती यहाँ पे अभ्यर्थी को नगरीय निकाय कोई भी दोस्तों संस्था से आपको 1 वर्ष में दोस्तों यहाँ पे आपको डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी के यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र होने अनिवार्य है। तो आप दोस्तों ये अहर्ताएं कंप्लीट करते हो तो आप आवेदन कर सकते हो दोस्तों, नवीनतम नोटिफिकेशन है। और बात करते हैं आयु सीमा की गणना दोस्तों, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी आयु सीमा की गणना होने वाली है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात कर लेते हैं यहाँ पे 40 वर्ष के कैंडिडेट आवेदन करते हैं। न्यूनतम दोस्तों यहाँ पे 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के जो कैंडिडेट है आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा में दोस्तों जो आरक्षित वर्ग है उसको आयु सीमा में यहाँ पे छूट प्रदान की गई। तो बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट, जबकि SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग की और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 10 वर्ष की, मतलब पुरुष वर्ग जो है जो दोस्तों यहाँ पे आरक्षित वर्ग में पुरुष वर्ग को 5 वर्ष की, क्योंकि महिला वर्ग को यहाँ पे 10 वर्ष की, जबकि सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट और सामान्य वर्ग का जो पुरुष कैंडिडेट है उसको 18 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष की यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा का अनिवार्यता यहाँ पे जोड़ी गई है। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है दोस्तों। जैसा कि विभाग के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी किया गया उसमें या कह सकते हैं कि जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो नगरीय निकाय विज्ञापित पदों हेतु आवेदन के पात्र अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन विज्ञापित पदों के अनुसार 3 गुना दोस्तों यहाँ पे 3 गुना अभ्यर्थियों के यहाँ पे लॉटरी के माध्यम से लॉटरी प्रक्रिया द्वारा का अपनाकर यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। मतलब 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे दोस्तों किस माध्यम से बात कर लेते हैं तो लॉटरी के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। लॉटरी के माध्यम से 3 गुना जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पे लिस्ट जारी की जाएगी। 3 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी किसके माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से। और उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों आपको प्रायोगिक आपका कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिकल उसके बाद में होने वाला है। प्रायोगिक परीक्षा हेतु यहाँ पे दोस्तों 3 माह की यहाँ पे समय अवधि में संबंधित नगरीय निकाय की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पे जब आपकी 3 गुना की लिस्ट जारी कर दी जाएगी उसके 3 माह के अंदर दोस्तों जो भी नगरीय निकाय है जहाँ से आपने आवेदन किया है वो नगरीय निकाय आपके दोस्तों प्रैक्टिकल की जिम्मेदारी लेगा और दोस्तों वो 3 माह के अंदर आपका प्रैक्टिकल आयोजित करेगा, या कह सकते हैं कि जो प्रायोगिक जो है दोस्तों, या कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी से संबंधित वहाँ पे कार्य करके आपके दोस्तों वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपको सफाई कर्मचारी से संबंधित अनुभव है या नहीं है। तथा साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो मानदंड पूरे करते हैं उपस्थिति दोस्तों यहाँ पे अवधि और अनुभव का स्थान कार्य विशेषता के आधार पर योग्यता दोस्तों आपकी यहाँ पे परखी जाएगी दोस्तों। इस प्रकार ये चयन प्रक्रिया होने वाली है। तो लॉटरी के माध्यम से आपका दोस्तों आवेदन यहाँ पे स्वीकार किया जाएगा। 3 गुना जो कैंडिडेट है वो जो दोस्तों पद है उनके 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा और उन्हीं कैंडिडेटों का यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा और उसी प्रैक्टिकल के आधार पर आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी दोस्तों। पेंशन यहाँ पे नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के प्रभावी नियम जो होंगे उनके अनुसार पेंशन भी यहाँ पे दे होगी। विवाह पंजीकरण जो सहमति, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि दोस्तों यहाँ पे 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 तक यहाँ पे रात्रि 12 बजे तक रहने वाली है। जैसा कि मैं कम्प्लीटली पूर्व में बता चुका हूँ दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया और भी जो दोस्तों डिटेल रहने वाली है वो कम्प्लीटली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे
डिटेल में चर्चा करूंगा कि क्या दोस्तों कब से यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, प्रैक्टिकल की डेट कब तक आ सकती है, और दोस्तों कब यहाँ पे आप आवेदन से संबंधित किस प्रकार की गलतियां ना करें जिससे कि आवेदन भरने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। इसके प्रकार दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि 24,000 दोस्तों 24,797 पदों के लिए दोस्तों ये सबसे यहाँ पे बड़ी वैकेंसी यहाँ पे जारी की जा चुकी है दोस्तों। तो आपने आवेदन दोस्तों नहीं भरा है तो दोस्तों आवेदन जल्दी से भर ले, क्योंकि बाद में साइट एरर की वजह से दोस्तों किसी भी कारण से आपके आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार जल्दी आप आवेदन कर लें यदि आप योग्यता रखते हैं तो दोस्तों। तो ये वैकेंसी थी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे सभी के नोटिस नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।